नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना और इबोला जैसे वायरस ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था और वक्त अभी इतना बीता भी नहीं कि लोगों का भय मन से दूर हो पाया हो और विश्व में फिर एक खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है जिसका डर लोगों के मन में साफ नजर आ रहा है। इस नए वायरस का नाम मारवर्ग है और इस वायरस के पहले दो मामले पश्चिमी अफ्रीका के घाना में देखने को मिले। बताया जा रहा है कि 10 जुलाई को उन दो व्यक्तियों की रिपोर्ट आई थी जिनमें मारवर्ग की पुष्टि की गई थी। फिलहाल उन दोनों व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, यह इबोला और मारवर्ग दोनों एक ही फैमिली से हैं और यह वायरस भी कोरोना वायरस से कम खतरनाक नहीं है। मारवर्ग वायरस सर्वप्रथम 1967 में जर्मनी में देखने को मिला था जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ सालों बाद यह 2005 में अंगोला में देखा गया जिसमें 200 लोगों की जान चली गई थी। इतना ही नहीं, 2021 में भी इसका एक मामला देखने को मिला था लेकिन 5 हफ्ते के अंदर दूसरा मामला सामने न आने के कारण इसको अप्रभावी घोषित कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही यह मामला अब दोबारा देखने को मिला तब WHO ने तुरंत हेल्थ अथॉरिटी को अलर्ट किया है ताकि अगर वायरस तेजी से फैलता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। अगर इस वायरस को लेकर कार्रवाई नहीं की गई तो हालत बेकाबू हो जाएंगे और यह वायरस बहुत जल्द अपने पैर पसारेगा। तेज बुखार, सर दर्द, डायरिया, उल्टी, शरीर में दर्द और नाक से खून आना मारवर्ग के लक्षण हैं। जिन इलाकों में भी यह लक्षण नजर आए वहां डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जांच करवानी चाहिए। लक्षण नजर आए व्यक्ति को आपस में सभी से दूरी बनाकर रहना चाहिए। मारवर्ग वायरस की अभी कोई दवाई या वैक्सीन बाजार में उपलब्ध नहीं है जैसे कि कोरोना की कोई दवाई या वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। और मारवर्ग वायरस कोरोना से दोगुनी तेजी से फैलता है। WHO के अनुसार इस वायरस का फर्टिलिटी रेट 24% से 48% तक है। हालांकि इस वायरस का भी कोई इलाज नहीं है लेकिन पर्याप्त पानी पीने से और दिख रहे लक्षणों के अनुसार इलाज करवाने से इसको रोका जा सकता है। मारवर्ग वायरस चमगादड़ और अन्य जानवरों से इंसानों में फैलता है। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर वीडियो हो आपके सामने। नमस्कार।